नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के वरिष्ठ समाज सेवी हाजी हारून अली ने राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जैन सिंह के समक्ष राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण कर ली। उनके साथ मुजफ्फरनगर की जानी मानी हस्तियों ने भी रालोद का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि हाजी हारून अली पिछले काफी लंबे समय से राजनीतिक गलियारों में सक्रिय बने रहे हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में उनका एक अहम योगदान रहता है। हाजी हारून अली ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जैन सिंह की नीतियों से प्रभावित होकर राष्ट्रीय लोकदल का दामन थामा है। मुजफ्फरनगर की एक ऐसी शख्सियत के साथ हम बैठे हैं जिन्होंने आज राष्ट्रीय लोकदल का दामन थामा है। पहले वह वरिष्ठ समाज सेवी और वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, मुजफ्फरनगर की जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं। हाजी हारून, जिनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे आज राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन की है, क्या मुद्दे रहेंगे और किस तरह से वे काम करेंगे। हाजी जी, बहुत बहुत स्वागत है। जानना चाहेंगे जिस तरह से आपने आज राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइन किया, क्या कारण रहे? आज हमने RLD और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की नीति और विचारधारा के से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन की है। हम भविष्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भरोसा दिलाते हैं कि पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएंगे और गरीब मजदूर किसान के हित में कार्य करेंगे और जो माननीय पार्टी का आदेश होगा, माननीय हाईकमान का आदेश होगा, उस पर कार्य करेंगे और गरीब मजदूर की आवाज़ जो है उसे जो है जन जन तक अपना पहुँचाएंगे। ये तो हमारे साथ हाजी हारून, जिन्होंने अपने मुद्दे और अपनी कार्यशैली के बारे में बताया और राष्ट्रीय लोकदल का दामन थामा है। हलचल इंडिया के लिए औसाफ अहमद कारीमोन्स के साथ हिमांशु पाल। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।